इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए जो एक टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में जाकर सारी घटनाओं को बदल देता था। इसका नाम जॉन होता है जो 1990 से टाइम मशीन का यूज करके 1975 में आया था। दरअसल 1975 में एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है। इस बॉम्ब ब्लास्ट ने लगभग आधे से ज्यादा सिटी के लोगों को मार गिराया था। इसीलिए अब जॉन का ये काम था कि वो टाइम ट्रेवल करके 1975 में जाए और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे, यानी कि अगर वो पास्ट में जाकर बॉम्ब को ब्लास्ट होने से बचा लेगा तब फ्यूचर में वो सारे लोग जिंदा रहेंगे जो उस ब्लास्ट में मारे जा चुके थे। जॉन को तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई थी कि वो बॉम्ब कहां पर प्लांट किया गया है, इसीलिए अब वो 1975 में ट्रेवल करते हुए बॉम्ब की लोकेशन पर आ जाता है। जॉन को काफी ज्यादा सर्च करने के बाद वो बॉम्ब मिल चुका था, बट तभी उस जगह पर एक और आदमी आ जाता है जिसने कि जॉन पर हमला कर दिया। जॉन भी अपनी गन निकालकर लगातार उस आदमी को फायर करता रहता है और बॉम्ब को निकालकर साइड में रखने लगता है। बट अब यहाँ उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई और वो बॉम्ब तो तुरंत ही ब्लास्ट हो गया था। इस धमाके के एकदम सामने रहने के कारण जॉन की पूरी बॉडी जल जाती है। जॉन की आधे से ज्यादा बॉडी खराब हो चुकी थी। जब जॉन एकदम तड़प रहा था तब एक दूसरा आदमी उसके सामने आता है और उसके टाइम मशीन का यूज करके जॉन को उसके समय यानी कि 1990 में वापस भेज देता है। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद जॉन ने जब अपनी आंखें खोली तब उसकी पूरी बॉडी पट्टी से ढकी हुई थी, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उसकी चमड़ी जल चुकी होती है। जॉन तो इन सारी चीजों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था कि पास्ट में जो भी घटनाएं उसके ऊपर हुई हैं वो उसके प्रेजेंट टाइम में आने पर अभी भी मौजूद हैं, और अब शायद जॉन अपने असली रूप में कभी आ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ जॉन को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के कारण उसकी धीरे धीरे रिकवरी होने लग जाती है। चमड़ी जलने के कारण तो उसके चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था। बट अब जॉन की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और उसे एक नया चेहरा दे दिया जाता है। अब पूरी तरीके से ठीक होने के बाद जॉन को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए अब कंपनी वालों ने जॉन को एक आखिरी काम दिया जिसमें कि उसे पास्ट में जाकर उनका एक मिशन करना होगा। जॉन अब पूरी तरीके से तैयार होकर उसे टाइम मशीन की मदद से 1970s में भेज दिया गया था। जॉन उस समय में अपना मिशन धीरे धीरे कंप्लीट करने के लिए एक बार टेंडर की नौकरी करने लग जाता है। अब इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन जॉन के बार के अंदर एक लड़का आता है जिसे देखकर जॉन तुरंत ही समझ गया था कि ये तो उसका जवानी वाला रूप है, यानी कि ये 1970 वाला यंग जॉन है। हालांकि वो यंग जॉन अपने बड़े वाले रूप को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि करंट वाले जॉन का चेहरा जलने के कारण उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी, पर 1990 वाले जॉन को ये बिल्कुल पता होता है कि ये तो उसका यंग वर्जन है। अब वो जॉन अपने जवान वाले रूप से काफी अच्छे से बातें करने लगा था। थोड़ी देर के अंदर ही यंग जॉन उससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और अपने बारे में उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। यंग वाला जॉन बताता है कि मैं बचपन से ही अनाथ था, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मेरे मॉम एंड डैड कौन थे। मेरे अंदर काफी अजीब तरीके की पावर्स मौजूद थी और सबसे बड़ी बात, मैं बचपन में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की था। उस समय तो मेरा नाम जेन हुआ करता था। जेन की इसी बिहेवियर और अजीब तरीके की पावर्स के कारण किसी ने भी उसे अडॉप्ट ही नहीं किया, यानी कि उसने अपना पूरा बचपन इन्हीं सारे अकेलेपन में गुजारा है। अब जेन जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई तब उसने अपने आईक्यू लेवल की मदद से एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप हासिल की होती है। ये स्कॉलरशिप एक स्पेस प्रोग्राम में उसे शामिल कर सकती थी। उन सभी स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप लिया है उनके ट्रायल्स चालू हो जाते हैं, बट तभी अचानक एक वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर रॉबर्ट होता है उन्हें जेन के बारे में एक शॉकिंग न्यूज पता चली। दरअसल उन्हें रिपोर्ट के अंदर पता चला था कि जेन के बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गेन्स हैं और उसके अंदर एबिलिटी थी कि मेल और फीमेल के हॉर्मोन्स होने के कारण वो कभी भी दूसरे जेंडर में चेंज हो सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपने आप को फीमेल चूज किया होता है। बट ये सारे रीजन डॉक्टर रॉबर्ट ने जेन को कभी बताया ही नहीं और उसे स्पेस प्रोग्राम से निकाल दिया। जेन इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और कुछ ही टाइम के अंदर उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है। वो दोनों तो फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुके थे, बट एक दिन अचानक उस आदमी ने जेन को कहा कि मुझे कुछ काम से जाना है और मैं जल्द से जल्द वापस लौट कर आ जाऊंगा। बट उसके बाद से वो आदमी कभी जेन के पास आया ही नहीं। जेन को कुछ टाइम के अंदर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा देने वाली है, इसीलिए अब उसका ऑपरेशन करने के लिए सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं।
जेन का बच्चा निकलने के बाद उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर जेन के पास आकर सच्चाई बताते हैं। उन्होंने जेन को सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के हॉर्मोन्स और ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए हमें तुम्हारे फीमेल ऑर्गन को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ा और अब तुम्हारे बॉडी में सिर्फ मेल के ऑर्गन्स और हॉर्मोन्स मौजूद थे। अगर डॉक्टर्स की टीम ऐसा नहीं करती तो इस ऑपरेशन में जेन और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते। जेन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है, क्योंकि उसे तो ये रियलिटी आज जाकर पता चल रही थी। बट डॉक्टर कहते हैं कि ये सच्चाई है और तुम्हें उसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी काटनी होगी। यानी कि अब कुछ टाइम के अंदर अंदर जेन जो कि एक औरत थी वो धीरे धीरे एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। चौंकाने वाली बात तब हुई जब जेन के बच्चे को हॉस्पिटल से किसी ने चुरा लिया। जब तक वो अपने बच्चे को बचाने जाती तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। और अब कुछ समय बीतने के बाद जेन एक आदमी में कन्वर्ट होने लग जाती है, इसीलिए अब उसने अपना नाम जेन से जॉन रख लिया था। और अब तब से ही जेन एक आदमी की जिंदगी जी रही है। यंग वाला जॉन सामने मौजूद अपने फ्यूचर वाले जॉन को सारी बातें बता रहा था। यंग जॉन कहता है कि ये सारी चीजें मेरी कहानी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा होगा कि तुम इसके ऊपर यकीन नहीं करोगे। बट यंग वाले जॉन को क्या पता होता है कि ये तो खुद की कहानी थी उसकी, इसीलिए वो 1990 वाला जॉन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे इस कहानी पर पूरा भरोसा है और मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगा। 1990 वाला जॉन अब यंग जॉन को पास बुलाता है और टाइम मशीन बाहर निकालता है। 1990 वाला जॉन कह रहा था कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे लवर से मिलाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम पता लगा सको कि उसने आखिरकार तुम्हें क्यों छोड़ा। जॉन अब यंग वाले जॉन को 5 साल पहले के टाइमलाइन में भेज देता है, जब वो एक लड़की हुआ करती थी और पहली बार अपने लवर से मिली होती है। जॉन अब पास्ट में यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गया था, जहां पर वही फीमेल जॉन मौजूद थी। दोनों के बीच में एक छोटी सी टक्कर होती है, जिसमें कि जॉन अपने फीमेल वाली वर्जन को पहचान गया था, लेकिन वो फीमेल जॉन जो कि एक्चुअली जेन थी वो अपने फ्यूचर वाले बॉडी को पहचान नहीं पा रही थी। पर अब जाकर जॉन को रियलाइज होता है कि उस समय जेन जिस अजनबी से टकराई थी और आगे चलकर जिसका उसके साथ रिलेशन बना था वो और कोई नहीं बल्कि वही होता है। यानी कि फ्यूचर से आया हुआ जॉन ही उसके साथ रिलेशनशिप में आएगा और वो दोनों एक साथ रहेंगे। वहाँ दूर से 1990 वाला जॉन ये सारी चीजें देख रहा था, इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन पर 1975 का टाइम सेट करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है उस समय के अंदर। दरअसल जॉन ने इसी बहाने डिसाइड किया था कि वो बॉम्ब को पूरी तरीके से डिफ्यूज कर देगा उस समय में जाकर। वो जैसे ही बॉम्ब प्लांट वाली जगह पर गया तभी जॉन ने देखा कि एक आतंकवादी वहां पर बॉम्ब प्लांट कर रहा है, इसीलिए अब जॉन ने लगातार उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो आतंकवादी बड़ी चालाकी से जॉन को पकड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब जॉन ने अपनी आंखें खोली तब वो बॉम्ब के पास एक आदमी को जलता हुआ देख रहा था। उस आदमी की बॉडी तो आग की वजह से पूरी की पूरी जल चुकी थी। वो आदमी तड़प रहा था अपने बैग की तरफ जाने के लिए, इसीलिए अब जॉन तुरंत वहां आता है और बैग को उस आदमी को दे देता है। उस आदमी ने तुरंत ही अपना बैग खोला और उसके अंदर टाइम मशीन मौजूद थी, जिसमें कि उसने 1919 का समय डाला और टेलीपोर्ट हो गया। तब जाकर जॉन को रियलाइज होता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जो फ्यूचर से आया होता है। यानी कि उस समय जॉन जब जल रहा था तब उसकी मदद जिस आदमी ने की होती है वो खुद ही था। अब जाकर जॉन को सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही थी। वो जल्द से जल्द टाइम मशीन निकालकर उस समय में चला जाता है जब वो यंग वाला जॉन अपनी फीमेल वर्जन को छोड़कर चला गया था। उस समय जेन का बच्चा भी हुआ होता है, पर अब जॉन ने हॉस्पिटल में जाकर जेन के बच्चे को चुरा लिया था, जिसे कि वो लेकर 1975 में आ जाता है। यानी कि जब जेन का बच्चा चोरी हुआ था तब उसे और किसी ने नहीं बल्कि 1990 वाले जॉन ने ही चुराया होता है। जॉन अब उस बच्चे को उसी अनाथ आश्रम में छोड़ रहा था जहाँ पर उसकी परवरिश हुई थी। जॉन को लग रहा था कि ये बच्चा इस जगह पर पूरी तरीके से सेफ रहेगा। अब सारी चीजें निपटाने के बाद जॉन टाइम मशीन के अंदर वो समय इंटर करता है जब वो अपनी यंगर वर्जन यानी कि 1970 वाले जॉन के पास चला गया था। ये वो समय होता है जब 1970 वाला जॉन अपनी फीमेल वर्जन जेन के साथ रिलेशनशिप में था। 1990 वाला जॉन अपने यंगर वर्जन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमें अब जाना होगा, लेकिन यंगर जॉन समझ चुका था कि जेन पूरी तरीके से अकेली है और वो उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जब यंगर जॉन 1990 वाले जॉन के पास गया तब उसने यंगर वाले जॉन को सारी सच्चाई बता दी कि जैसे वो उसका फ्यूचर वाला रूप है जो यहाँ पर उसकी मदद करने आया था, और जिस लड़की को वो डेट कर रहा है वो तो उसी के पहले वाले वर्जन थी जब वो एक लड़की हुआ करती थी। ये सारी बातें यंगर जॉन को सब कुछ समझ जाती हैं
और अब वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो चुका था। ये वो समय होता है जब जीन को उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर जा रहा था, यानी और कोई नहीं बल्कि जॉन। अब 1990 वाला जॉन अपनी यंगर वर्जन को टाइम ट्रेवल करा कर 1985 में लेकर आ गया था। ये वही जगह थी जहाँ प्रेजेंट टाइम वाला जॉन अपनी एजेंसी में काम किया करता था। दरअसल वो अपनी यंगर वर्जन को यहाँ इसीलिए लाया होता है जिससे कि वो उसे अपनी कंपनी में एक नया एजेंट के तौर पर भर्ती कर सके, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा थक चुका था और इन सारी चीजों से रिटायरमेंट लेना चाहता था। उसने अपने मैनेजर को सब कुछ बता दिया होता है कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल किया और अपनी यंगर वर्जन को यहाँ लेकर आ गया। यंगर वाले जॉन को अब उस कंपनी में भर्ती कर दिया गया था जो अब लगातार उसी जगह पर काम करेगा। 1990 वाला जॉन अब अपने टाइम में वापस आ जाता है और वहाँ पर मौजूद बारटेंडर की नौकरी करने लगता है। उसने डिसीजन लिया था कि वो अब इस टाइम मशीन का यूज कभी नहीं करेगा और हमेशा हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लेगा। वो तो अपनी टाइम मशीन को खराब करने यानी कि बंद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इन सारी चीजों में एरर यानी कि फेलियर हो गया। वो मशीन जॉन के हिसाब से खराब ही नहीं हो रही थी, यानी कि जॉन अभी भी उस टाइम मशीन का यूज कर सकता है समय में आगे और पीछे जाने के लिए। अब यहाँ जॉन को पेपर्स के ऊपर कुछ अजीब सी चीजें लिखी हुई मिली थी। दरअसल ये डॉक्टर रॉबर्ट की लिखी हुई चीजें होती हैं, जिसमें कि उन्होंने जॉन को ये क्लू देने की कोशिश की थी कि 1975 में जिस आतंकवादी ने बॉम्ब लगाकर सभी लोगों को मार दिया था उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, क्योंकि ये जॉन का ऐसा पहला मिशन था जो वो कंप्लीट नहीं कर पाया। इसीलिए उसकी पहले से चाह होती है कि वो उस आतंकवादी को बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले ही मार दे। अब यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट के बताए गए सारे चीजों को फॉलो करते हुए जॉन ने उस टाइम मशीन का आखिरी बार यूज किया और चला गया उस समय में जब आतंकवादी ये सारे बॉम्ब बनाने का प्लान कर रहा था। जॉन तो गन लेकर तुरंत ही आतंकवादी को हैंड्स अप करने के लिए कहता है। तब जॉन को पता चला कि ये तो उसका ही फ्यूचर वाला रूप है जो कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे लगाया गया था, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होगा। जॉन के दिमाग में तो पूरी तरीके से लोचा हो जाता है कि उसके साथ ये कौन सी चीजें घट रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जॉन अपने से यंग वाले जॉन के वर्जन्स के बारे में सब कुछ जानता था, उसी तरीके से वो अपने ओल्ड वर्जन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाता। देखने पर पता चल रहा था कि उस फ्यूचर वाले जॉन की हालत एकदम से खराब हो चुकी थी, उसकी तो मेंटल कंडीशन भी एकदम अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। और ये सारी चीजों का रीजन ओल्ड वाला जॉन कहता है कि इस टाइम मशीन की वजह से ही हुई है, क्योंकि उसने अपने कंपनी को बिना बताए इस टाइम मशीन का लगातार यूज किया और पास्ट और फ्यूचर में जाने लगा। अगर वो अपनी टाइम मशीन की खराबी के बारे में कंपनी को पहले ही बता देता तो वो उसे डीकमीशन करके बंद कर देते। लेकिन ओल्ड वाले जॉन ने उस समय के बाद कई बार टाइम मशीन का यूज किया और अपनी हालत खराब कर दी। बट यहाँ 1990 वाले जॉन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बॉम्ब कैसे ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि वो तो उल्टा उस आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसने कि इतने सारे लोगों की जान ली होती है। बट ओल्ड वाले जॉन का कहना था कि फ्यूचर तुम कुछ भी करके बदल नहीं सकते। 1990 वाला जॉन कुछ नहीं समझता और अब गुस्से में आकर उसने अपने ओल्ड वर्जन वाले को ही गोली मार दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें उसके ऊपर आए। पर जैसा कि उस ओल्ड वाले जॉन ने कहा कि फ्यूचर इन सारी चीजों से कभी बदलने ही नहीं वाला। अब यहाँ जॉन को अपने थोड़ी फ्यूचर के बारे में अंदाजा होने लगा था, क्योंकि जब उसने टाइम मशीन को डीकमीशन नहीं किया तब उसे ये क्लू मिल जाता है कि वो टाइम मशीन को कई बार यूज कर सकता है और आगे चल के वो इस टाइम मशीन को बार बार यूज भी करेगा, जिससे कि जॉन का दिमागी संतुलन काफी ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी बनकर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और कई लोगों को एक साथ ही खत्म कर देगा। यानी कि अब जॉन ना चाहते हुए भी उसे ये सारी चीजें कुछ भी करके करनी ही पड़ती हैं। यानी कि वो एक लूप में फंस चुका है जिसमें कुछ भी ना करने के बावजूद भी वो सारी चीजें प्री डिफाइंड होंगी, मतलब जो भी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं वो तो होकर ही रहेंगी। अब यहाँ पर जॉन लगातार अपनी टाइम मशीन को देखता ही जा रहा था, तब जाकर उसे सारा सच समझ में आता है। दरअसल इस पूरी कहानी में जॉन जितने भी कैरेक्टर से इंटरेक्ट हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके फ्यूचर और पास्ट वाले ही जॉन होते हैं। जॉन टाइम मशीन की मदद से ही पास्ट में गया और अपने यंग वाले जॉन से मिला, और इसी तरीके से वो अपने फ्यूचर वाले जॉन से मिलता है जो कि आगे चलकर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। सबसे पहले जब जॉन उस बॉम्ब को फटने से रोकने गया था तब उसका पूरी बॉडी जल चुकी होती है। वहाँ पर जिस आदमी ने उसकी मदद की थी वो जॉन था और जिसने ब्लास्ट किया वो भी जॉन था, जिसके बाद वो 1970 में जाता है अपने यंग वाले वर्जन से मिलने के लिए। और तब वो दोनों टाइमलाइन वाले जॉन अपनी यंग वर्जन यानी कि जब वो लेडी हुआ करता था उस समय में चले गए होते हैं। यंगर वाले जॉन ने जिससे रिलेशनशिप बनाया होता है वो भी जॉन था।
उन दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से जो बच्चा हुआ था उसे 1990 वाले जॉन ने उठा लिया होता है और वो उस बच्चे को लेकर उसी आश्रम में आ गया था जहाँ पर वो पला बड़ा था। शॉकिंग बात ये होती है कि ये बच्चा भी जॉन ही है जो आगे चलकर जीन यानी कि वो लड़की बनेगा और फिर ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। यानी कि जॉन की जिंदगी सच में एक लूप में फंस गई है टाइम मशीन का अजीब तरीके से यूज करने की वजह से। और अब ना चाहते हुए भी जॉन आगे चलकर यही सारी चीजें करेगा, जिस तरीके से उसका फ्यूचर वर्जन आतंकवादी बनकर ब्लास्ट करता है और सभी लोगों को मार देता है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम पर जॉन के पास वो मशीन अभी भी मौजूद थी जिससे कि वो ये सारी चीजें कर सकता था। दरअसल जॉन के टाइम मशीन में खराबी तब आई थी जब वो उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। टाइम मशीन के अंदर से एक ऐसी इनविजिबल रेडिएशन निकलने लगी जो कि जॉन से कंबाइन हो जाती है और अब जॉन को वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिस तरीके से उसके फ्यूचर वाले वर्जन ने किया था। वो इस टाइम मशीन का बहुत बार यूज करेगा अपने फायदे के लिए और फिर कुछ समय बाद उसके दिमागी संतुलन बिगड़ने के कारण वो साइको बन जाएगा। यानी कि जॉन अब एक बहुत ही बड़ी आपदा में फंस चुका था जहाँ से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और इसी तरीके से हमारी ये दिमाग चकरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।